इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट वह क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हैं, साथ में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, उनके लिए हम एक वह अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट वह क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब आपको उन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें ओपन कर देखें। सो इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक ऑफ द कंडक्टेंस के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले है इसमें ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर द वे करंट, एंड रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, जहाँ पर एल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज इट्स वे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से आप रो को सोल्व कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को सोल्व कर सकते हैं, R इंटू ए बाई एल, इसके यूनिट्स आपको याद रखने हैं ओम मीटर, इसके यूनिट्स आ जाएंगे ओम मीटर। इसके बाद आती है हमारे पास वह कंडक्टेंस को हम G के साथ शो करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, इसके यूनिट बन जाएंगे ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम एक और नाम के साथ यूज़ कर सकते हैं, सीमेंस, इसको हम S के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम R का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसका रिलेशन बन जाता है वह कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इज द वह कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी दैट इज़ द कंडक्टिविटी इनटू A बाय L। तो यहाँ से हमारे पास K का रिलेशन बन जाएगा वह कंडक्टेंस इनटू G स्टार। तो G स्टार यहाँ पर क्या है, L ओवर A, L ओवर A को हमने यहाँ पर G स्टार यूज़ कर लिया है। सो दिस इज़ द कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इन टू जी स्टार, जी स्टार इज कॉल्ड द सेल कॉन्स्टेंट। तो जी स्टार की वैल्यू हम आपको, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी स्टार की वैल्यू क्या है, एल ओवर ए, एल बाय ए इज जी स्टार, एंड वे कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इन टू सेल कॉन्स्टेंट। तो ये फार्मूला आपका बहुत यूज़ होने वाला है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हम मोलैरिटी के साथ रिलेट कर उसे सोल्व कर सकते हैं। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। सो कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर हम यहाँ पर वह कंसंट्रेशन को अप्रोच कर दें ज़ीरो के, मतलब के इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दें, डिल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा कर दी है, इनफाइनाइट कर दी है, तो हम इस वैल्यू को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड हम एक लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद उससे पहले आपको ये देखना है कि ये सभी टर्म्स वह कंसंट्रेशन के साथ वह कैसे चेंज होती हैं। तो वह कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर आप वह कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इनक्रीज़ करते हैं तो आपकी कंडक्टेंस दैट इज़ जी डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिल्यूशन करते हैं, मतलब कि वह कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारी कंडक्टेंस इनक्रीज़ होगी एंड मोलर कंडक्टिविटी भी इनक्रीज़ होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इसमें इनक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूस डिल्यूशन के साथ इंक्रीज होती हैं, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, बट यह कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डिल्यूशन। अगर आप डिल्यूशन करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। 1 cm³ की स्पेस में जितना सोल्यूशन होता है उसकी यह कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ऐसा एक बॉक्स है हमारे पास 1 cm³ का, उसके अंदर जितने भी आयंस होंगे उनकी जितनी कंडक्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्टिविटी। अगर हम डिल्यूशन कर देते हैं तो यहाँ पर आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, पहले से उनकी वैल्यू यह कम हो जाएगी, इसलिए वह कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वीक जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्व करनी है तो वो ग्राफ से भी सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसका ग्राफ वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं होता। दिस इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका ग्राफ वाई एक्सिस के साथ असिम्प्टोट फॉर्म कर रहा है,
बट जो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सोल्व हो जाती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हमने वैल्यू सोल्व करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोहल रोथ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसमें क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल्स टू द वह कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस को हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास CH3COOH है, तो इसमें CH3 जो COO एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस हाइड्रोजन आयन की मोलर कंडक्टिविटी, हम इसे ऐसे उतार सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा कि हम स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को यूज़ कर वीक की सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये था वीक एसिड, इसकी अगर आपको सोल्व करनी है तो आप सोडियम एसीटेट की एंड HCl की मोलर कंडक्टिविटी ऐड करें, तो यहाँ से एसीटेट आयन की आ जाएगी और यहाँ से H की आ जाएगी, ये दोनों ऐड होकर इसका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर सोडियम और Cl एक्स्ट्रा आए हैं, इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को इसमें से रिमूव कर देंगे, तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में वह आ सकता है। इसके बाद होता है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट द वह कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इन दोनों को डिवाइड कर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है। इससे आप डिसोसिएशन वह कॉन्स्टेंट को सोल्व कर सकते हैं, दैट इज वह कंसंट्रेशन सी इंटू अल्फा स्केयर बाय 1 - अल्फा। तो अगर कोई साल्ट इसमें स्पारेंगली सोल्यूबल हो, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो, तो हम मोलैरिटी की जगह पर उसकी सोल्युबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी। तो यहाँ से आप उसकी सोल्युबिलिटी को सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन, दैट इज द वह कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 100 ओम। इसकी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद दिस सोल्यूशन इज दिस वन, तो अगर हम उसकी वह कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 मोलर वह KCl सोल्यूशन। हमें 0.02 मोलर वाले KCl सोल्यूशन की वह कंडक्टिविटी को सोल्व करना है, और हमें कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहां से सबसे पहले सेल वह कॉन्स्टेंट को ही सोल्व करेंगे। तो यह सबसे पहले हम इससे सोल्व करते हैं सेल कॉन्स्टेंट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 0.1 मोलर वह KCl को। तो आप इसका फार्मूला उस फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। हमने फार्मूला सोल्व किया था K इज़ इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। तो वहाँ से अगर हम जी स्टार को सोल्व करें तो दैट इज़ जी स्टार इज़ इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द वह कंडक्टेंस, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। सो वह कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमें इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है एंड इसकी रेजिस्टेंस भी हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, दैट इज़ द 100 ओम। तो उन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद दैट इज़ द सेल कॉन्स्टेंट। नाउ फॉर 0.02 मोलर वह KCl सोल्यूशन वह कंडक्टिविटी इज़ इक्वल्स टू जी स्टार इंटू जी इज़ दैट डिवाइडेड बाई आर। तो वहाँ से आ जाएगी इसकी कंडक्टिविटी। उसके बाद इसकी हमें सोल्व करनी है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज़ इक्वल्स टू वह कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द वह कंसंट्रेशन। तो ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वहाँ से इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स वह खुद भी सोल्व कर ज़रूर देख लेनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा है ये पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है कि बहुत सारे ही
मेटल्स की जब हमने प्रोडक्शन करनी होती है तो उन सभी की रिडक्शन भी इलेक्ट्रोलाइटिक वह सेल की रिएक्शंस के साथ ही की जाती है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी एक्सट्रैक्शन इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के साथ ही होती है। तो इसमें हमारे पास दो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, जिसमें कि सबसे पहले है फैराडेस वह फर्स्ट लॉ। इसमें क्या है कि तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके साथ ही आपको ये लॉ की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में रख देते हैं, सेम में होता है, इसमें दो हाफ सेल्स नहीं होते, एक में ही दोनों रोड्स को रखते हैं, और ऊपर से हम बैटरी को ज्वाइन कर देते हैं। तो बैटरी का यहाँ पर होगा पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दिस रोड इज एनोड। एनोड का मतलब इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल से ऑपोजिट है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रोड के अंदर आएंगे, तो इसकी हो जाएगी रिडक्शन, तो इसमें बन जाएगा कैथोड। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में दो आयंस होंगे, एक होंगे इसमें कटायंस एंड दूसरे होंगे इनमें अनायंस। तो एनोड की तरफ जाएंगे अनायंस, जिस पर होगा चार्ज माइनस, एंड कैथोड की तरफ जाएंगे कटायंस। तो आपको याद रखना है C2C, मतलब के वह कटायन गोज टू कैथोड एंड अनायन गोज टू एनोड। दिस इज ऑल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए है ये सभी। तो इस पर अब हम अप्लाई करते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ। इसने क्या कहा है कि जितना यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, रिडक्शन की वह साइड पर डिपॉजिट होगा अमाउंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन होनी है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बैटरी से जितना चार्ज आएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट होगा, सो दैट इज़ द डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम यूज़ करते हैं जेड, एंड चार्ज का फार्मूला आई इंटू टी, तो यहाँ से फार्मूला बन गया डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। दूसरा लॉ है इसका, दूसरा लॉ इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अमाउंट ऑफ केमिकल चार्ज अकर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। तो यह केमिकल चेंज उतना ही होगा जितने के मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज रिएक्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसकी एग्जाम्पल को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है, जैसे कि हम सोडियम में रिएक्शन में करवा रहे हैं, सोडियम की रिडक्शन करवा रहे हैं, सोडियम पर चार्ज कितना है, वन पॉजिटिव। तो अगर हमने वन मोल सोडियम को फॉर्म करना है तो हमें वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करता हूँ तो सोडियम बन जाएगा वन मोल। पर अगर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम पर चार्ज है थ्री पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम का वन मोल फॉर्म करने के लिए मुझे थ्री मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका बनेगा वन बाई थ्री मोल, मतलब जितना इस पर चार्ज होगा उसके डिवाइड कर देंगे तो वन बाय थर्ड मोल ही सिर्फ एल्यूमिनियम फॉर्म होगा। तो ये है उसका सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ द फैराडे। सो इसके साथ आप चार्ज ऑफ वन मोल सोल्व कर रख सकते हैं, दैट इज़ द 96,500 कोलम, दैट इज कॉल्ड द वन फैराडे, दैट इज़ द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम यह इसमें अलग अलग वह कंपाउंड्स की रिएक्शंस को करवाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो उनसे क्या फॉर्म होता है, उनके आपको प्रोडक्ट्स को याद रखना है, इनमें से रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं। मैंने सिर्फ दो पार्ट्स एक्सप्लेन की हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में से मिल जाएंगी, वो आप यह एक्स्ट्रा अपना कुछ रीड यह कर सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है एक्वस सोडियम क्लोराइड की। एक्वस सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड के आयंस बने होंगे, एंड साथ में हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयन भी होगा। तो हाइड्रोजन आयन भी होगा, पॉजिटिव आयन ये दोनों बन जाएंगे, एंड दूसरे आयन ये दोनों बन जाएंगे। तो अब हम इसमें इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस वह करवाएंगे। तो वह कैथोड पर क्या होगा कि रिडक्शन होगी हाइड्रोजन आयंस की, हाइड्रोजन आयंस यूज़ होंगे वाटर में से, तो वाटर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 एंड OH माइनस आयन फॉर्म कर देगा। दूसरी साइड पर Cl आयंस की रिडक्शन होगी, इनकी रिडक्शन होगी, अगर आप डिस्चार्ज पोटेंशियल को देखें तो OH का ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर ओवर वोल्टेज का
वह कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही हो वहाँ पर ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए OH की जगह पर Cl आयंस की ऑक्सीडेशन होगी और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे जो कि यहाँ पर ऊपर यूज़ होता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर Cl2 गैस यह एनोड पर फॉर्म होएगी एंड हाइड्रोजन गैस यह कैथोड पर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो इसमें भी सेम है कि H2O है, सिर्फ हमने इसको एसिडिफाइड इसलिए किया होता है ताकि इसकी आयनाइजेशन कुछ ज़्यादा हो जाए, बिकॉज ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनानी है। दूसरी तरफ OH आयंस जो होंगे उन्होंने ऑक्सीडेशन इनकी होगी और वहाँ से ऑक्सीजन गैस बनेंगी एंड साथ में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जो कि ऊपर यूज़ होते रहेंगे। एक साइड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी और एक साइड पर हाइड्रोजन रिलीज़ होगी एट द रोड ऑफ कैथोड एंड ऑक्सीजन रिलीज़ होगी एट द रोड ऑफ एनोड। तो ये थी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब हम यह फैराडेस लॉ के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो इसमें है कि ए सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर वह 10 मिनट्स। तो हमें वह टाइम दिया हुआ है विद द कॉन्स्टेंट वह करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, आई की वैल्यू है। वट इज़ द मास ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो हमें आई की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, तो टी को हमने चेंज कर लेना है इंटू, ये बन गया 600 सेकेंड। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, दैट इज़ द 900 कूलम। तो हमने चार्ज यूज़ किया है 900 कूलम। तो हमें सोल्व करना है कि कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो 1 मोल ऑफ कॉपर बनेगा, मतलब कि कॉपर का मोलिकुलर कॉपर का एटॉमिक मास बन जाएगा 63.5 ग्राम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 63.5 ग्राम, 2 मोल मतलब उन पर चार्ज कितना होगा 2 × 96,500 कूलम। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज यूज़ करते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म इधर जाकर डिवाइड में होंगी। तो हमारे पास चार्ज था 900 कूलम, तो इसको यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे एंड दूसरी तरफ भी यूज़ कर लेंगे। यूनिटरी सारा ये हमने मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ से सोल्व होकर के 900 कूलम चार्ज से कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, 0.296 ग्राम। वैसे आप इनके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में फैराडे के दोनों लॉ ही यूज़ हो गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सेल्स और मैट्रिक्स। तो इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं एक प्राइमरी सेल। हमारे पास दो टाइप्स की बैटरीज होती हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल। वे प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि रिचार्ज नहीं हो सकते, जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं हो सकती। तो प्राइमरी सेल की एग्जांपल है ड्राई सेल, जो हम नॉर्मली ही यूज़ कर लेते हैं अपने बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि वॉचेज़ होती हैं, ऐसे ही बहुत सारे रिमोट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं जो सेल, वो होते हैं ड्राई सेल। इसका एक और नाम है एक्लेंचे सेल। इसमें क्या है कि एनोड होती है जिंक की, यह कैथोड होती है ग्रेफाइट की। तो ये सभी कुछ आपको याद रख लेना है, इनकी रिएक्शंस एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं, इन सभी में से किसी एक की रिएक्शन आपको पेपर में आ सकती है। ड्राई सेल में वह एनोड इज़ जिंक, वह कैथोड इज़ ग्रेफाइट एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं साथ में वो है हमारे पास MnO2 एंड वह कार्बन एंड साथ में अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये सभी कुछ ऐड किया होता है इन दोनों में। तो इसमें एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म कर देगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि MnO2 एंड यहाँ से अमोनियम आयन है जो, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेंगे और OH एंड अमोनिया गैस फॉर्म कर देंगे। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। यहाँ पर जो अमोनिया गैस बनेगी वो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट होकर एक बना देगी कम्प्लेक्स, एंड इसका यूज़ तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये जो हमारे पास ड्राई सेल होता है, अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं या फिर अनयूज्ड भी हो और इसे वहाँ पर ऐसे ही हम रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो एसिडिक अमोनियम वह क्लोराइड होता है वो जिंक को वह करोड कर देगा, तो ये सेल अपने आप ही ख़राब हो सकता है। सेकेंड इज़ द मरकरी सेल, जिसे हम बटन सेल भी नाम देते हैं, जो कि हमारी
रिस्ट वॉच में होते हैं सेल, छोटे छोटे जो होते हैं सेल उनको हम कहते हैं मरकरी सेल। इसमें क्या होता है, एनोड में जिंक एंड मरकरी की अमलगम एंड वह कैथोड में होती है मरकरी ऑक्साइड एंड वह कार्बन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या होती है, जिंक अमलगम की OH आयन के साथ यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो कि HGO और वाटर में गेन होकर वहाँ से यह HGO और OH आयन बन जाते हैं। तो इनका यूज़ तो आपका हो चुका है। इसमें से कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट KOH है वो यहाँ पर दोबारा फिर से फॉर्म हो जाता है जितना यूज़ हुआ था, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उतनी ही रहती है इसलिए इसकी कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेल्स जिनको के रिचार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज एंड चार्ज हो सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहली हेड स्टोरेज बैटरी जो कि इन्वर्टर्स वाली हमारी बैटरी होती है। इसमें क्या है कि एनोड होती है PB की रोड्स एंड यह कैथोड्स होती हैं PbO2 उसके ऑक्साइड्स की रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें 38% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन। तो ये सभी कुछ आपको ध्यान रखना है। तो बैटरी जब यूज़ में होती है, जब एज ए उसकी यह केमिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है कि PB की रोड SO42 यह आयंस के साथ रिएक्ट होकर PbSO4 एंड साथ में इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करती है जो कि दूसरी तरफ उनकी रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस उन्हें गेन कर लेते हैं एंड वहाँ से PbSO4 एंड H2O फॉर्म हो जाता है। और जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों रिएक्शंस को ऐड वह करवाकर सोल्व कर सकते हैं और वही रिएक्शन आप रिवर्स में उतार सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब इसकी चार्जिंग होती है। तो जैसे जैसे ये यूज़ होता है तो इसमें H2SO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं निकल वह कैडमियम वे सेल्स। ये वो सेल होते हैं जो कि छोटे साइज़ में होते हैं बट ये भी रिचार्ज हो सकते हैं। जो छोटे सेल रिचार्ज होने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं Ni एंड यह कैडमियम सेल्स। इसमें जो एनोड होता है वो होता है वह कैडमियम का, वह कैथोड होता है इसमें Ni वह O2 का एंड इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो KOH। तो रिएक्शन इसमें क्या होती है कि वह कैडमियम, तो यहाँ से Ni का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है यहाँ से, तो उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है जहाँ से कि वह कैडमियम ऑक्साइड एंड NiOH2 वह O2 बनता है और साथ में इसके फॉर्म हो जाता है H2O। तो ऐसे हम इसे, इसमें ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसकी पोटेंशियल होती है 1.4 एंड इसको हम हेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा वह टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्यूल सेल्स, इसमें आखिरी एग्जांपल है। तो फ्यूल सेल्स बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही अमाउंट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे फ्यूल्स को जलाकर उनमें से एनर्जी फॉर्म करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है कि हमने दो ग्रेफाइट के वे कार्बन के इलेक्ट्रोड्स में से इस यूज़ किए हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोनों साइड से, एक साइड से हाइड्रोजन गैस आएगी और एक साइड से ऑक्सीजन, और इसके बीच में ही इन दोनों की रिडॉक्स रिएक्शन होगी और वहाँ से H2O फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें यह एनोड पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ रही है और वो यहाँ से रिएक्ट होकर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगी एंड दूसरी साइड पर जो ऑक्सीजन आ रही है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी एंड 4 OH आयन बना देगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वाटर फॉर्म होगा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो ये सबसे पहले पोल्यूशन फ्री है एंड इसमें से वह कंटिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है और इसे और इसको स्पेस वह क्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं और फ्यूल इसके लिए और भी कोई यूज़ किए जा सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा, जैसे कि आप कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि इथेन वगैरह भी आप इसमें यूज़ वे कर सकते हैं। तो इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी है जो टॉपिक वो है हमारे पास
यह करोजन जिसमें के मेटल्स का ऊपरला जो यह सरफेस होता है वो हौली हौली एटमॉस्फेयर में यह प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट होकर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कोरोजन। यह करोजन अगर यह आयरन के केस में हो तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो सबसे पहले तो जो फैक्टर्स यह कोरोजन को यह अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो सबसे पहले तो उस मटेरियल की ईएमएफ सीरीज़ में वह पोजीशन क्या है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी हो जाएगा वह करोड़, अगर उसकी लो रिएक्टिविटी है तो उसकी करोजन जल्दी नहीं हो सकती। उसके बाद है कि अगर इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पर, अगर इलेक्ट्रोलाइट में या एटमॉस्फेयर में साल्ट्स ज़्यादा हैं और अगर वाटर में CO2 है तो उसके साथ सभी के साथ ही कोरोजन इंक्रीज़ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर हमने कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज़ की है तो उसके साथ उसका रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रस्टिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर होंगे तो ही रस्टिंग हो सकती है। तो इसमें एनोड क्या होता है कि Fe आयरन, तो आयरन अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है और Fe2 पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर वाटर में से हाइड्रोजन आयन्स फॉर्म होते हैं वो एंड साथ में ऑक्सीजन गैस, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और H2O फॉर्म कर देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से क्या बन रही है, हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं। ये Fe2 पॉजिटिव आयन्स आगे फिर से ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट होकर इसका ऑक्साइड बना लेते हैं जो कि अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ लेता है। तो यहाँ से बन जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं रस्ट। ये ब्राउन वे कलर का बन जाता है। तो ऐसे होती है रस्टिंग। तो रस्टिंग की रिएक्शंस को आपको ज़रूर याद रख लेना है एंड कौन कौन से वह फैक्टर इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। एंड अगर हमने रस्टिंग को रोकना हो तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं, पेंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसकी वह कर सकते हैं, किसी और मटेरियल को इसके ऊपर यूज़ करते हैं। तो उसी में आती है सेक्रीफाइशल वह प्रोटेक्शन जिसमें कि हम किसी और मटेरियल की जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा हो जो कि खुद ख़राब हो जाए बट आयरन को सेव कर ले, उसकी हम इसके ऊपर कर देते हैं कोटिंग। अगर वो जिंक यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रिकल वे प्रोटेक्शन जिसमें हम क्या करते हैं कि मोर रिएक्टिव वे है इसमें एलिमेंट के साथ आयरन को जोड़ देते हैं। ये तो अंडरग्राउंड वे पाइप्स को सेव करने के लिए फॉर्म किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आयरन को मैग्नीशियम या फिर जिंक के साथ जोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम और जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है बट आयरन हमारा सेफ रहता है। एंड फोर्थ इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें हम एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होते हैं कि अल्के लाइन मतलब के बेसिक सोल्यूशन होते हैं फॉस्फेट्स के या फिर वे है क्रोमेट्स के। तो जिसके साथ क्या होता है कि जो इसमें एच पॉजिटिव होता है वो बेस के साथ रिएक्ट होकर उसकी वे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कोई बेसिक चीज़ ऐड करते हैं तो इसका वह pH इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि pH इंक्रीज़ करने के साथ सोल्यूशन में तो pH इंक्रीज़ करने के साथ आयरन की वह करोज़न का रेट डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।